जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि मार्च 2022 का महीना यानी संगठन का महीना। मार्च 2022 में संगठन से प्रदाय एजेंडा के अनुसार संगठन अंतर्गत जुड़े लगभग सभी जिलों में सामाजिक कार्यक्रम एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनके गतिविधियों को हमने बारी बारी से आप सभी लोगों के बीच में लाया है। साथियों, इन सारी गतिविधियों को आप सभी लोगों के बीच में लाने का अर्थ ये है कि हम संगठन के उद्देश्यों से, संगठन की विचारधाराओं से और संगठन का एक्चुअली मकसद क्या है वो हम आपको हम अवगत कराना चाहते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि मार्च में जो संगठन से एजेंडा प्राप्त हुआ था, संगठन का जो एजेंडा रहा, एजेंडा में 20-22 पॉइंट समथिंग रहे हैं और उन सारे बिंदुओं को संगठन अंतर्गत जितने भी जिले हमारे जुड़े हुए हैं, संपूर्ण भारत स्तर पर हम यदि बात करते हैं तो जितने राज्यों में संगठन संचालित है और उन राज्यों में जितने जिले हैं, तो संगठन अंतर्गत जुड़े सभी जिलों में हमने उन एजेंडाओं को पढ़ा भी और साथ में हमने एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भी कराया। तो इसका करवाने का अर्थ ये था कि हम संगठन की विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं और संगठन की गतिविधियों को हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे अगर ये समाज संगठन भारत का जो उद्देश्य है वो भारत के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ अगर ये जनजाति इस संगठन में होना चाहिए और जब तक भारत के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ अगर ये जनजाति का व्यक्ति यदि इस संगठन में नहीं आता है तो ये संगठन असफल ही माना जाता है। साथियों, ये समाज को संगठित करने का हमने एक मिशन रखा है जिसका नाम मिशन 2025 है और हम चाहते हैं कि मिशन 2025 हमारा शीघ्र पूरा हो जाए। साथियों, ये मिशन 2025 कैसे पूर्ण होगा, पहले तो ये हमको समझना होगा। साथियों, मिशन 2025 को पूर्ण करने के लिए संगठन के लगभग सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी लगभग होनी इसमें आवश्यक है। साथियों, एक संगठित समाज के निर्माण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि संगठन के जो मुख्य कार्यकर्ता हों, चाहे कोर लीडर हों या जिला अध्यक्ष हों या फिर ब्लॉक अध्यक्ष हों या उस जिले के संपूर्ण सामान्य कार्यकर्ता भी हों, उन सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जब तक हर व्यक्ति अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करता है, तब तक क्या है कि ये जो हमारा मिशन 2025 है, एक संगठित समाज का निर्माण करने का जो एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमारा लगभग अपूर्ण होता दिखाई दे रहा है। साथियों, बहुत सारे साथियों के मन में एक प्रश्न आता है या बहुत सारे साथी कुछ ऐसी विचारधारा में कार्य करते हैं, वैसे कार्य तो सभी कर रहे हैं अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अगर ये समाज के लिए सभी छोटे छोटे खंडों में छोटे छोटे स्तर पर बट करके काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे मतलब कितना परिणाम आ रहा है समाज में, मतलब हम लोकल क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अगरिया जनजाति की बात कर रहे हैं जहां अगरिया जनजाति को एक पहचान स्थापित हो कि अगरिया जनजाति इस संगठन के साथ या अगरिया जनजाति की पहचान इस संगठन से हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनकी पहचान एक विशेष पार्टी के रूप में होती है, और आप सभी जानते हैं कि ऐसे कौन से समाज हैं जिनकी पहचान एक विशेष पार्टी के रूप में हो रही है, आवाज वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वो समाज उभरा हुआ है। तो क्या आपके खंड में बटकर ब्लॉक स्तर पर काम करने, जिला स्तर पर काम करने, राज्य स्तर पर काम करने से क्या आपके इस समाज की पहचान, जो एक वैज्ञानिक समाज है जिसने सबसे पहले लोहे जैसे चमत्कारिक धातु की का प्रगलन किया, लौह अयस्क की पहचान की, तो क्या आपकी पहचान ये छोटे छोटे स्तर पर कार्य करने से एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान क्या बन सकती है? अब जरा आप अपने दिमाग से मंथन करिए, मंथन ये करिए कि जो समाज आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, क्या वो खंड खंड में बटकर कार्य किए हैं? यदि हाँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और यदि नहीं साथियों, तो आपको इस संगठन के साथ आना चाहिए और इस संगठन की विचारधारा से जुड़कर आपको कार्य करना चाहिए। साथियों, बहुत सारे लोगों के मन में प्राथमिकता आती है कि अगर यह समाज संगठन भारत जो राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगर यह समाज महासंघ भारत का जो ग्रुप संचालित चल रहा है उसमें
झारखंड के लोग हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उसमें मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो उससे जुड़कर हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोग धीरे धीरे लोग क्या है हटने का प्रयास करते हैं, हटते जाते हैं। साथियों, एक अगरिया जनजाति, एक अगरिया जनजाति और अगरिया समाज के लिए समर्पित व्यक्ति जो वास्तव में अगरिया समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको इस संगठन की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे स्तर पर कार्य करके आप अपने समाज को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान आप नहीं दे सकते हैं। आज अगरिया जनजाति की समस्या काफ़ी गंभीर है, बहुत सारी समस्याएं हैं आज अगरिया जनजाति के साथ। हमारे ऐसे कुछ साथी हैं मध्य प्रदेश से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं और अन्य स्टेटों से हैं, जिनके दस्तावेज संबंधी काफ़ी समस्याएं हैं, जिनके दस्तावेजों में त्रुटियां हैं। हम चाहते हैं कि यदि हम सभी समाज के व्यक्ति, जो भी भारत के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ भी अगरिया जनजाति का व्यक्ति यदि समाज के साथ जुड़ जाता है, इस संगठन के साथ जुड़ जाता है, तो हम इसके लिए एक पहल कर सकते हैं। हम चाहें तो सरकार से अपनी मांग को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। हो सकता है कि सरकार हमारी बातों पर विचार कर ले जाए। साथियों, आप यदि एक सच्चे समाज सेवी हैं तो केवल अपना ही नहीं, इस जनजाति का सोचिए, इस जनजाति के विकास का सोचिए, इस जनजाति के उत्थान का सोचिए। आज अगर यह समाज संगठन भारत लगातार गुहार लगा रहा है कि संगठित होइए, एक संगठित समाज का निर्माण करिए, लेकिन मैं ऐसे साथियों से कुछ जो हैं हमारे में उनसे दंग रह जाता हूं कि उनको ये बात एक्चुअली क्या समझ में नहीं आती है कि संगठित समाज का निर्माण क्यों आवश्यक है। साथियों, यदि आप एक्चुअली में समझ जाते हैं कि एक संगठित समाज का निर्माण क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है संगठित होना, साथियों, तो आप एक सच्चे समाज सेवी उस दिन बन जाएंगे। साथियों, एक क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करके आप अपने अगरिया जनजाति को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान आप नहीं दे सकते हैं। भले ही आप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में एक छोटा पहचान दिलवा सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान जो आज अन्य समाजों की है, आप उस तरीके से इस जनजाति की पहचान नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आज अगर ये जनजाति की अस्तित्व की मैं बात करता हूँ, तो अगर ये जनजाति का जो अस्तित्व है, थोड़ा बहुत या अधिक भी कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, जो अस्तित्व है इसका काफ़ी खतरे में नज़र आ रहा है। बहुत सारे हमारे साथी जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, आज की स्थिति में जहाँ अगरिया समाज संगठन भारत की ओर लगातार मुहिम चलाया जा रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को लेकर चलने के लिए, जो एक्चुअल में अगरिया हैं, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं उनके नाम में आपको अगरिया नहीं दिखता है। साथियों, आज अगरिया अस्तित्व की प्राप्ति, अगरिया अस्तित्व को एक पहचान दिलाना, एक इन सारी चीज़ों को लेकर कार्य करने के लिए एक संगठित होना बहुत ही आवश्यक है। आप की विचारधारा यदि समाज के प्रति है, तो मैं मानता हूं कि अगर ये समाज संगठन भारत के साथ जुड़कर आपको कार्य करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि हम एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारा संगठन में हमारी कोई पहचान नहीं है, तो साथियों, मैं एक चीज़ कहूंगा कि व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है, और आप जितना बेहतर कार्य करते हैं आपकी उतनी ही बेहतर पहचान भी स्थापित होती है, जिसका उदाहरण जीता जागता है आप सभी संगठन में देख सकते हैं। जो ऐसे साथी हैं जो आज लगभग साल भर से 6 महीने से इस संगठन में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, संगठन की विचारधारा में कार्य कर रहे हैं, उनकी एक अच्छी खासी पहचान समाज के में और एक संगठन में लगभग है। साथियों, हम इस मंच में हम उन सारे ऐसे कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या करते हैं, जिनकी एक अच्छी पहचान भी है समाज में। आप एक क्षेत्रीय स्तर पर रह करके कार्य न करिए, इस संगठन के साथ जुड़ करके इस संगठन में आकर के कार्य करिए, जिससे संपूर्ण अगरिया जनजाति का उत्थान एवं विकास हो सके। साथियों, एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में शिक्षा का तभी महत्व माना जाता है कि यदि वो शिक्षित होते हुए समाज के लिए वो कुछ कर जाता है। यदि आप शिक्षित हैं और आप अपने समाज के लिए उस शिक्षा का उपयोग नहीं किए, आपने एक संगठित समाज के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया, तो साथियों, यकीनन है वो शिक्षा तो मेरे हिसाब से व्यर्थ ही माना जाता है। साथियों, आज समाज में शिक्षित चाहे वीरांगना महिला शक्तियाँ हों या फिर पुरुष वर्ग हों, आज सभी की ज़रूरत समाज में बहुत ही आवश्यक है। और जब तक एक पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग यदि समाज से, समाज को जागरूक करने से, समाज को संगठित करने से, समाज को संस्कारी बनाने से दूर रहेंगे,
तब तक इस समाज का विकास नहीं हो सकता है। और सबसे मुख्य इस विचारधारा का है, यदि आप एक क्षेत्रीय विचारधारा और एक व्यक्तिगत विचारधारा पर लेकर चलेंगे तो इस अगरिया जनजाति का उत्थान एवं विकास एवं अस्तित्व आप एक अच्छे स्तर पर इसकी पहचान आप नहीं दिला सकते हैं, और आपकी आने वाली पीढ़ी जो है उसी समस्या से जूझ रही होगी जिस समस्या से आज आप जूझ रहे हैं। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि अगर यह समाज संगठन भारत आज उस पौधे को सींच रहा है और उस पौधे को सींच कर वो वृक्ष बनाना चाहता है कि इस के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो इसका फल खाएं। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के हैं और आपके बच्चे की शादी, यदि आपका बच्चा मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या झारखंड में किसी को पसंद कर लेता है और उसकी शादी हो जाती है, तो क्या उसी समस्या से वो जूझे जिस समस्या से आज आप जूझ रहे हो? आप क्षेत्रीय स्तर की सोच रहे हो, लेकिन कल कालक आपके संबंध यदि बाहर बनते हैं उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आज तो आप अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जब आपका बालक या आपके परिवार के कहीं बाहर से रिश्ता होगा और वो उस समस्या से वहाँ के लोग जूझेंगे तो क्या होगा? इसलिए साथियों, मैं चाहता हूँ इस अगरिया जनजाति के उत्थान एवं विकास के लिए आइए, कार्य करिए, इस समाज को आगे बढ़ाइए और एक संगठित समाज का निर्माण करिए जिससे संपूर्ण अगरिया जनजाति एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर सके। ठीक है साथियों, यदि विचारधारा साथियों अच्छी लगे तो लाइक का बटन आपके स्क्रीन में नीचे दिखता ही है, लाइक करें और हमारे चैनल के साथ साथ ही जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर अगर ये समाज संगठन भारत की संपूर्ण गतिविधियाँ, हमारे संगठन अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम, जितने भी मीटिंग्स जहाँ जहाँ जो होते हैं हम यहाँ आपको दिखाते हैं, और अगर ये जनजाति से संबंधित जानकारियाँ भी लाते हैं, अच्छे मोटिवेशन विचारधाराएँ भी आपको मिलती है। तो साथियों, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।